गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरवी राठौर एंड आई एम योर मैथ्स टीचर एंड दिस इज़ योर लेक्चर फर्स्ट ऑफ चैप्टर फोर्थ। देखिए, लेक्चर थर्ड में हमने एडिशन पढ़ा था, ठीक है, कि एडिशन कैसे किया जाता है, कैरी के एडिशन कैसे किए जाते हैं। आज हम इसके आगे इसमें पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आपको पता ही होगा, सिंगल डिजिट डबल डिजिट सब्ट्रैक्शन आप लोग कर सकते हैं। 9 में से 7 माइनस 2, 15 में से 8 माइनस 7, 35 में से 14, 5 में से 4 माइनस 1, 3 में से 1 माइनस 2। तो आपका एक्सरसाइज 4.1 जो है, आपको ये आपको खुद करनी है होमवर्क में, ओके। ये आपको खुद करनी है, अपनी बुक में आप ये खुद फिल करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं फिर। एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 क्या है, देखिए इसमें भी आपको सब्ट्रैक्शन करना है, बट इसमें आपको क्या करना है, कैरी लेके करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, 475 माइनस 256, आपको इन्हें माइनस करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 में से 6 माइनस होता नहीं है, जैसा कि आपको पता है कि 5 में से 6 माइनस होता नहीं है। आप क्या करेंगे यहाँ पे 7, ठीक है, ये 7 जो है आप जो है वन डिजिट इसमें कैरी ले लेंगे। जब हम इसमें कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 15, ठीक, ये हो गया 15। और 15 में से अब 6 को हम माइनस कर सकते हैं, तो जब हम 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9, ओके। ये मतलब सेम ऐसा ही है जैसे आप टू फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एक के पास 4 टॉफीज़ हैं, एक के पास 5 टॉफीज़ हैं, ठीक। आपको क्या चाहिए, दूसरा दोस्त आपका मांग रहा है मुझे एक टॉफ़ी दे दो, तो आपने एक टॉफ़ी उसे दे दी। तो इसी तरीके से है कि इसके पास भाई इतना नहीं था और इसके पास था, तो इसने उठा के अपना एक जो है इसे कैरी दे दिया। जब आप इसे वन कैरी देंगे तो 15 में से 6 यहाँ 15 हो जाएगा और इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 9। अब यहाँ पे क्योंकि इसने इसे कैरी दिया था तो यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा। अब 6 में से हम 5 को माइनस करेंगे, 6 में 5 माइनस होगा तो कितना आंसर होगा, 1। और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 में से 4, अब 3 में से 4 आप माइनस नहीं कर सकते हो, 3 में से 4 माइनस होएगा ही नहीं क्योंकि छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट माइनस होती ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ भी आपको यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ 7 से आप इसमें एक कैरी ले लेंगे। जब आप 7 में से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ हो गया 13, ठीक। अब 13 में से तो 4 माइनस हो सकता है, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9, ओके। 13 में से 4 माइनस हुआ तो हुआ 9। अब यहाँ पे कितना बचा, 6, यहाँ बचा 6। 6 में से 5 माइनस हुआ 1 और 6 में से 1 माइनस हुआ 5। तो इस तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं ये, ठीक है, कैरी लेके। और इसमें फिर क्वेश्चन फर्स्ट ये था, क्वेश्चन सेकंड देखिए। क्वेश्चन सेकंड में भी आपको सेम यही प्रोसीजर करना है, 389 फ्रॉम 925। देखिए, आपको 925 में से 389 को क्या करना है, माइनस करना है। मैं आपको यहीं करके दिखा दे रही हूँ, देखिए 925 में से 389 को आपको माइनस करना है, ठीक। और जैसे आप इस तरह से लिखेंगे इसे, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कैरी लेके इसे माइनस करेंगे, ऐसे ये सारे क्वेश्चंस होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके नोटबुक में होंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी नोटबुक में करना है। नेक्स्ट देखिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड भी आपको क्या करना है, नोटबुक में करना है। ये भी आपका सिंपल, इसमें तो आपको सिंपल तरीके से आपका लिख रखा है 687 माइनस 435, तो आप इसे नॉर्मली आप इसे माइनस कर सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिल इन द बॉक्सेस। फिल इन द बॉक्सेस में आपको क्या करना है, ये बॉक्सेस में जो है डिजिट्स को फिल करना है। हाँ देखिए, 5 में से कितना माइनस किया जाए जो आंसर 2 हो, तो ऑफकोर्स ये बात है 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 फिल। उसके बाद होता है 6 है यहाँ पर 8 है। अब इसमें जो है 6 को जो है कितने में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 18 हो, 8 हो जाए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 4 फिल कर देंगे, क्योंकि 14 में से 6 को माइनस करते हैं तो आंसर होता है 8। फिर यहाँ पे क्योंकि यहाँ से इसने कैरी लिया था तो यहाँ कितना हो गया, 7। अब 7 में से कितना माइनस किया जाए तो आंसर 4 हो, तो 3 फिल होगा, 7 में से 3 माइनस 4। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड भी फिल करना है।
सो इस एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड अपनी नोटबुक में करना है और क्वेश्चन फर्स्ट और फोर्थ जो है आपको अपनी बुक में फिल करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क यही है, आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है अपना कॉपी में करना है। आई होप यू एंजॉय माई क्लास। थैंक यू।